बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नौजवानों के नाम अहम पैगाम। इमरान खान ने नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत दी। इमरान खान ने tigerforce.com.pk वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी टाइगर फोर्स खवातीन और नौजवानों से मुखातिब हूँ। आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ आपकी ज़रूरत है। हमारे मुल्क में बैरूनी मुदाखलत के जरिए एक हुकूमत मुसल्लत की गई। 30 सालों से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरमों को इक्तदार दिया गया। दो खानदानों ने झुक झुक कर बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये फिर इसलिए इक्तदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चलें। ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करेंगे। आज नैब और FIA तबाह कर दी। 1100 अरब रुपये की चोरी पर खुद को NRO दिया गया। FIA में 16 अरब रुपये के केसेस दफन कर दिए गए। अब ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से भी बच जाएं। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शंस में अभी भी धांधली हो रही है। पार्टी की लीडरशिप पर FIR काटी जा रही हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर 9 FIR दर्ज कराई गई। पार्लियामेंट खत्म हो गई, पंजाब में भी तमाशा लगा रखा है। कौमी असम्बली में ऐसे शख्स को ओपोजिशन लीडर बनाया जो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। मीडिया पर फासिस्ट हथकंडे के जरिए बदतरीन सख्तियां मुसल्लत की गई। नामवर एंकर्स पर FIR दर्ज करवाई गई। मीडिया मालकान को कॉल्स के जरिए धमकाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों को धमकाया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के इदारे तबाह करने के लिए खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। 60% काबीना करप्शन के केसेस में जमानतें लेकर बैठी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों से कहता हूं कि खुद को रजिस्टर करें और टाइगर फोर्स ज्वाइन करें। इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। टाइगर फोर्स अवाम को घर घर जाकर निकाले। पंजाब के जिमनी इलेक्शन में सब ने हिस्सा लेना है। आम इंतखाबात में बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देना है। आप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, मैं जल्दी आपसे बात करूंगा। नाजरीन, प्ले स्टोर से आप भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आप भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बन सकें। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।